मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथी, आप सब लोग प्रकृति के अद्भुत नजारे को, अद्भुत सुंदरता को देखने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नजारा, अति सुंदर, काफी अच्छा। तो आप सब जानना चाह रहे होंगे कि आखिर है ये क्या। इसे ऑरोरा कहते हैं। यह अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास होता है, इसलिए इसे नॉर्दर्न लाइट एंड साउदर्न लाइट भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में नेचुरल सी बात है, ये उठ रहा होगा कि आखिर होता ये क्यों है और ये कैसे होता है। अब मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि ऑरोरा होता क्यों है और कैसे इस तरह के नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। इस बात को समझने के लिए कि ऑरोरा होता क्यों है, इसके लिए हमें सन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमें पता है कि सन एक धधकता हुआ गोला है, आग का गोला। और आग का गोला क्यों है? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स काफ़ी सारे बनते हैं। अब होता यह है कि जो सन के अपर एटमॉस्फेयर हैं, वो जो है इन चार्ज पार्टिकल्स को काफ़ी हाई स्पीड से पूरी गैलेक्सी में रिलीज करता है। ये जो स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन्हीं स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग सोलर विंड कहते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि इतने सारे चार्ज पार्टिकल्स जो सन रिलीज कर रहा है, उसके बाद भी हम लोग क्यों बचे हुए हैं, हमारा अर्थ क्यों बचा हुआ है। हमारा अर्थ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है और यही मैग्नेटिक फील्ड हमारे को इस सोलर विंड से बचाया हुआ है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब अर्थ के इस सराउंडिंग से, अर्थ के आसपास से गुजरते हैं, तो कई सारे चार्ज पार्टिकल्स तो आपका डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्रैप हो जाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं रेडिएशन बेल्ट। अब इन रेडिएशन बेल्ट से ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। और आपको पता ही है कि एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं कि इन एयर में जो एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम्स हैं, ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ये चार्ज पार्टिकल्स एक्साइट करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उनको एक एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं। जब ये एयर, जब ये एटम्स, जब ये मॉलिक्यूल्स लोअर स्टेट में आते हैं, तो इस प्रोसेस में लाइट की एमिशन होती है और वही लाइट की एमिशन जो है हमारे को ऑरोरा के फॉर्म में नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे दिखती है। तो इस वजह से हम लोग ऑरोरा यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। मेरे ख्याल से, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ये जो इवेंट है, ये जो हैपनिंग है, जो प्रकृति की सुंदरता आपको दिखती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, इसकी समझ आपको आ गई होगी। इसको हमने काफ़ी फंडामेंटल वे से मैंने आपको समझाया, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।